Hey YouTube family, how are you all guys? Welcome to my channel Himanshu Bhanushali. और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल स्काई की, जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वेबसाइट. ये क्या है, ये क्यों है, पता नहीं. सो पॉइंट पे आते हैं कि ड्रोन इंडिया में लीगल हो गया है फ्रॉम दिसंबर 1 में इन्होंने कुछ वेबसाइट ओपन की डिजिटल स्काई, जहाँ पे आपको कंपलसरी आपका ड्रोन रजिस्टर करना होगा. गाइस, अगर आप बिना रजिस्ट्रेशन के ड्रोन उड़ाओगे तो ये इलीगल होगा. सो गवर्नमेंट ने वेबसाइट लॉन्च की है. ये वेबसाइट पे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, UIN नंबर कैसे मिलेगा, मुझे लोग बहुत सारी कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं. सो मैं उन लोग के लिए वीडियो लाया हूँ. सो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू. सो हे गाइस, हम आ चुके हैं वो वेबसाइट पे जहाँ पे हमें हमारा ड्रोन रजिस्टर करना है. सो DGCA.NIC.IN लिंक है. लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली वो लिंक पे जा सकते हैं. ये है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की लिंक. सो आते हैं यहाँ पर. रिमोटली पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम पर आपको क्लिक करना है. ऐसे ही आप क्लिक करेंगे, एक न्यू लिंक ओपन हो रही है. यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये वाला, डिजिटल स्काई गेट योर इंपोर्ट क्लियरेंस UIN UAOP. सो हम इसे क्लिक करते हैं. ओके, सो हम पहुँच गए हैं अभी डिजिटल स्काई की वेबसाइट पर, जो गवर्नमेंट ने 9 दिसंबर 1 को लॉन्च की थी. कल ही मैंने इस लिंक को ओपन करके देखा था, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस स्टिल इट वाज नॉट वर्किंग परफेक्टली. सो आज मैं रजिस्टर करता हूँ मेरी इस वेबसाइट को. सो वी एनेबल फ्लाइट इंडियाज अननेम्ड एयरक्राफ्ट्स. ओके, सो आ जाते हैं नीचे. रजिस्टर योर सेल्फ देन योर ड्रोन्स. ओके, सो गेट स्टार्टेड में जाऊँगा मैं. यहाँ पे हेल्प मी अप्लाई, यहाँ पे 200 एंड, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है अगर आपको रीड करना है. सो कम टू द गेट स्टार्टेड. गेट स्टार्टेड में आने के बाद फुल कंपनी नेम. ओके, मैं अपना नाम लिख देता हूँ. ईमेल आईडी दे देता हूँ, पासवर्ड भी सेट कर देता हूँ, एंड विल क्लिक टू द साइन अप. सो गाइज, यहाँ पे हो गए हैं मैं रजिस्टर. और रजिस्टर होने के बाद में हमें जाना है हमारे मेल बॉक्स में. यहाँ पे चेक करोगे तो नो रिप्लाई अकाउंट वेरिफिकेशन. ओके, सो ये अकाउंट वेरिफिकेशन की लिंक आ गई है, हम इसे क्लिक करते हैं. प्लीज़ यूज़ अ वेरीफाई अकाउंट, इसे मैं क्लिक करूँगा. क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई हो जाएगा. ओके, हे गाइस, तो डिजिटल स्काई में ये प्रोफाइल ओपन हो गई है. तो देर आर 4 प्रोफाइल्स, पायलट, इंडिविजुअल, ऑपरेटर एंड मैन्युफैक्चर. सो वी आर नॉट मैन्युफैक्चर, ऑपरेटर, इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल में आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आई डोंट नो अदर ऑप्शन. मैं खुद भी फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे गया हूँ. सो गाइस, ये प्रोफाइल में आने के बाद हम क्लिक करेंगे प्रोफाइल पे, एंड ये डिजिटल स्काई में. ओके, ड्रोन कैटेगरी, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है माइक्रो. अगर आपका ड्रोन स्मॉल है तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, नैनो. सो मेरा ड्रोन आता है माइक्रो, क्योंकि ये 250 ग्राम और 2 kg के बीच में आता है. सो बिकॉज ऑफ दैट आई सेलेक्ट दिस माइक्रो. एंड ये डिटेल्स हैं बेसिक प्रोफाइल्स की, ये आपको फिलअप कर देनी है. मैं इसको जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ. प्रोफाइल हो गई, चलो सारी चीज़ें फिलअप हो गई है. अभी मैं क्लिक करूँगा सबमिट ऑप्शन पे, सक्सेसफुली सेव पायलट प्रोफाइल. अभी हम आएंगे माय डैशबोर्ड ऑप्शन पे, जहाँ पे आपको अप्लाई फॉर हियर लोकल ड्रोन, अप्लाई फॉर इम्पोर्ट ड्रोन, UAEOP लाइसेंस. आई थिंक सो लोकल ड्रोन मीन्स कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होंगे वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और इम्पोर्टेड ड्रोन अगर हम बाहर से मंगा रहे हैं या फिर यहीं से ही हमने लिया है लेकिन वो बाहर का है, मेड इन लाइक चाइना, US, XYZ. सो तो हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है. आफ्टर दैट अप्लाई हेयर फॉर UAP लाइसेंस. UAP ये वो चीज़ है जो अगर आप 200 फीट के अबो उड़ाना सोच रहे हैं ड्रोन को, तो आपको इसके लिए ये लाइसेंस लगेगा. सो अभी हम क्लिक करते हैं. ये है एप्लीकेशन जो आपको फिल करना है, ये मॉडल नंबर, सीरियल नंबर ड्रोन का सब रहेगा. इसमें आपको हाई डिटेल्स, नंबर ऑफ ड्रोन्स, आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, आपको ये सब फिलअप करनी है. एंड ये ड्रोन टाइप है. ओके, अच्छा, ये ड्रोन
ओके सो आई थिंक सो दोस्त आई थिंक गाइज मुझे ये लग रहा है कि अभी भी वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस में है बिकॉज ऑफ दैट ये ड्रोन टाइप दिखा नहीं रहा है, वरना तो आई थिंक ये ड्रोन टाइप दिखाना ही चाहिए, मैक्रो माइक्रो नैनो या तो फिर लार्ज। अगर आप ये दिखाएगा तब जाके आप सेलेक्ट कर पाओगे, ये डिटेल्स भी भर के भी क्या फ़ायदा। अगर मैं देखूँ, देखते हैं, नो कुछ नहीं आ रहा है। सो गाइज आई थिंक मैं जब ये फिल कर दूंगा सो डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू दिस व्लॉग। मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे आपको लाइसेंस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तब तक के लिए आपने जो प्रोसीजर देखी आपको पता चल गया रहेगा, और ये वेबसाइट पे जाने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सो आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड और भी जो ड्रोन्स जिन जिन भाइयों ने लिए हैं सो उन्हें भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आप विदाउट रजिस्ट्रेशन आप फ्लाई कर रहे हो सो इट विल बी टोटली इलीगल। एंड ये रही कुछ इसकी बैर बैर हाँ सो ये रही कुछ इसके, ये भी मैं आपको लिंक में दे देता हूँ। ये कुछ डिटेल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं जहाँ पे आपको आप ऐसे उड़ा नहीं सकते हैं। सो ये रही वो कैटेगरी सेक्शन 3 में, कैटेगरी ऑफ आरपीए नैनो माइक्रो स्मॉल मीडियम लेस देन इक्वल। अगर ये 250 ग्राम के अंदर है आपका ड्रोन तो वो नैनो में आएगा, जिसको आपको यूआईएन नंबर से रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप माइक्रो है यानी कि मैविक एयर, मैविक प्रो, फैंटम, ये सब 2 kg के अंदर आते हैं तो उन्हें माइक्रो में करना है रजिस्टर। स्मॉल ड्रोन्स, मीडियम, लार्ज जैसे बहुत बड़े फिल्म के लिए यूज़ होते हैं सो उन्हें वहाँ पर सर्च करना है। एंड ये वेबसाइट आई थिंक अंडर मेंटेनेंस है, तो स्टिल मैं इस पे वर्कआउट करूँगा, और जब पूरी रजिस्ट्रेशन करूँगा तो मैं अगेन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। आई थिंक सो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। सो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।